Good morning, students. Welcome to International School. I am your English teacher, Rahul Soni. Today we are going to study lesson 2, Tenali's painting. मतलब कि तेनाली की पेंटिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. तेनाली रमन वॉज अ पोएट. तेनाली रमन एक कवि होता है और जेस्टर. जेस्टर होता है कि एक मस्खरा. वो तेनाली रमन वॉज अ पोएट एंड अ एंड जेस्टर एट द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेवरिया ऑफ विजयनगर. विजयनगर का एक राजा होता है कृष्णदेवरिया, उसके दरबार में तेनाली रमन एक कवि होता है, पोएट और एक जेस्टर होता है, मतलब कि एक मस्खरा होता है जो कि एंटरटेनमेंट सभी का करता है. ही वॉज वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज स्वीट एंड इंटेलिजेंस. वो बहुत ही पॉपुलर होता है, मतलब बहुत फेमस होता है उसकी बुद्धिमानी और उसकी चतुराई की वजह से. द प्ले दैट यू आर नाउ गोइंग टू रीड प्रेजेंट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हिज विट. अभी जो आगे आप प्ले एक जो नाटक आप एक दृश्य देखने वाले हैं, सीन एक नाटक आप देखने वाले हैं, उसमें तेनाली रमन की बुद्धिमानी का ये बहुत ही सबसे बढ़िया उदाहरण है, इसमें आप आगे देखेंगे. कैरेक्टर्स, इसमें कैरेक्टर्स देखते हैं कौन कौन है. कृष्णदेवरिया किंग ऑफ विजयनगर, विजयनगर का राजा है, उसका नाम कृष्णदेवरिया है. तेनाली रमन, तेनाली रमन कौन है इसमें, एक पोएट है, एक कवि है और जेस्टर एट द कोर्ट, और एक उनके दरबार का एक मस्खरा व्यक्ति है तेनाली रमन. फर्स्ट कोर्टियर, सेकंड कोर्टियर, थर्ड कोर्टियर, फोर्थ कोर्टियर, उसमें चार कोर्टियर मतलब चार दरबारी भी इस सीन के अंदर आते हैं. ठीक है. वन डे एन आर्टिस्ट कम्स टू किंग कृष्णदेवरिया'स कोर्ट एंड शोज हिज पेंटिंग्स. एक बार एक कलाकार जो राजा कृष्णदेवरिया होता है उनके दरबार में आता है, एक कलाकार एक आर्टिस्ट आता है, वो अपनी पेंटिंग्स उनको दिखाता है. द किंग एंड द मोस्ट ऑफ द कोर्टियर्स वर इम्प्रेस्ड विथ हिज पेंटिंग्स. जो राजा होते हैं और साथ में उनके जो ज़्यादातर कोर्टियर्स, ज़्यादातर उसके राजा के दरबारी होते हैं, वो पेंटिंग्स को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, मतलब उस पेंटिंग से वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, उससे वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं. हाउएवर तेनाली रमन लुक्ड अनसेटिस्फाइड. लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी होता है तेनाली रमन जो कि अनसेटिस्फाइड होता है, वो असंतुष्ट होता है उस पेंटिंग से. किंग दैट इज़ रियली ए ब्यूटिफुल पेंटिंग. राजा बोलता है कि अरे ये तो सचमुच में बहुत ही सुंदर पेंटिंग है. आई कैन ऑलमोस्ट फील द पीस ऑफ अ विलेज इन योर पेंटिंग. राजा बोलता है कि मुझे सचमुच में इस पेंटिंग के अंदर एक गांव की शांति का दृश्य दिखाई देता है, ऐसा महसूस होता है. यू आर अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट. राजा बोलता है कि अरे तुम तो सच में बहुत ही बढ़िया कलाकार हो. हियर इज अ बैग ऑफ गोल्ड फॉर यू. राजा उसे उस पेंटिंग के बदले में एक सोने के सिक्कों का बैग दे देता है. वी विल बी वेरी प्लीज्ड इफ यू बी अवर गेस्ट एंड मेक मोर ब्यूटिफुल पेंटिंग्स फॉर अस. तो वी विल बी वेरी प्लीज्ड मतलब के राजा बोलता है कि हमें बहुत ही खुशी होगी इफ़ यू बी अवर गेस्ट, अगर तुम हमारे मेहमान बनोगे तो इसमें हमें बड़ी ही खुशी होगी, और तुम हमारे लिए ब्यूटिफुल पेंटिंग्स बनाओगे तो उसमें भी हमें तो हमें अच्छा लगेगा, ऐसा राजा उस कलाकार से कहता है. आर्टिस्ट बोलता है योर हाइनेस इज़ वेरी काइंड, मतलब आपके मैं आपका आभारी हूँ, आपने ऐसा मुझे कहा इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ. इट विल बी एन ऑनर टू पेंट फॉर योर मैजेस्टी. आपके दरबार के लिए मैं इस तरह की पेंटिंग बना पाऊँ ये तो मेरा ऑनर होगा, मतलब कि मेरा सौभाग्य इसमें होगा. तेनाली आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड पेंटिंग. तेनाली बोलता है कि अरे मुझे नहीं लगता कि ये पेंटिंग गुड है, मतलब कि अच्छी है. किंग हाउ कैन यू से दैट. आई थिंक इट्स लवली. राजा बोलता है कि अरे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ये तो बहुत ही प्यारी है, लवली है. तेनाली द पेंटिंग लुक्स इनकम्प्लीट टू मी. तेनाली बोलता है कि पेंटिंग तो इनकम्प्लीट दिखाई देती है. यू कैन ओनली सी अ पार्ट ऑफ द कार्ट इन द पेंटिंग. तेनाली बोलता है कि इस पेंटिंग में आप सिर्फ
बैलगाड़ी का एक हिस्सा ही आप देख सकते हो, इसमें तो सिर्फ व्हील्स दिखाई रहे हैं, इसमें सिर्फ व्हील्स दिख रहे हैं, इसमें ऊपर का जो हिस्सा है वो तो है ही नहीं, ऐसा तेनाली बोलता है। द फेस ऑफ द काउ इज ऑल्सो नॉट पेंटेड, इसमें पेंटिंग के अंदर काउ का फेस भी नहीं बना हुआ है, ऐसा ये तेनालीरमन कहता है। किंग वॉट एन इग्नोरेंट फूल यू आर, अरे तुम कितने मूर्ख हो, एवरीथिंग कैन नॉट बी पेंटेड, सब कुछ तो बना नहीं सकते। यू ऑट टू इमेजिन द बिट्स दैट आर मिसिंग, छोटी मोटी चीज़ें जो इसमें मिस है तुम इमेजिन भी कर सकते हो, तुम सोच भी सकते हो, उसे समझ सकते हो। तेनाली, आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ, बैट मतलब होता है शर्त लगाना। आई कैन पेंट बेटर देन दैट, मैं इससे भी अच्छी पेंटिंग बना सकता हूँ। वेल आई कैन इफ़ आई हैव द पेंट्स, तेनाली बोलता है अगर मेरे पास पेंट मुझे मिल जाए कहीं से तो मैं इससे भी बढ़िया पेंटिंग बना सकता हूँ। किंग आई बेट यू कांट, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम नहीं कर सकते। आई गिव यू द पेंट्स एंड द पेपर, मैं तुम्हें पेपर दे दूँगा, पेंट्स भी दे दूँगा, ठीक है, राजा ऐसा बोलता है तेनाली को। यू मे ऑल्सो टेक लीव फ्रॉम द कोर्ट फॉर अ मंथ, एक महीने की तुम्हें कोर्ट से छुट्टी भी दे देते हैं, ठीक है। इफ़ एट द एंड ऑफ द मंथ यू ब्रिंग मी अ पेंटिंग दैन दैट इज़ हाफ एज गुड एज द वंस वी सॉ टूडे, आई प्रोमिस टू गिव यू अ बैग ऑफ गोल्ड एंड द टाइटल ऑफ किंग ऑफ आर्टिस्ट्स, राजा बोलता है कि चलो जो पेंटिंग्स तुमने देखी है इसकी अगर तुमने इसके जैसी, इससे इतनी अच्छी तो नहीं लेकिन अगर तुमने इसकी आधी, इससे आधी अच्छी भी पेंटिंग अगर तुमने बना दी तो इसके बदले में मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, है ना, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें एक सोने के सिक्के का बैग भी दूंगा, प्लस तुम्हें एक टाइटल, मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा, किंग ऑफ आर्टिस्ट मतलब कलाकारों का कलाकार, एक टाइटल मैं तुम्हें एक नया नाम भी दे दूंगा, किंग ऑफ आर्टिस्ट। तेनाली बोलता है आई एग्री, तेनाली उस बैट को स्वीकार कर लेता है, शर्त स्वीकार कर लेता है। आफ्टर अ मंथ आई विल शो यू अ बेटर पेंटिंग दैन दिस वन, तेनाली बोलता है एक महीने के बाद में मैं तुम्हें इससे अच्छी पेंटिंग बना के दिखाऊंगा। द कोर्टियर्स स्टार्ट स्माइलिंग एंड स्निगरिंग, वहाँ पे जो कोर्टियर्स मौजूद होते हैं, जो दरबारी होते हैं, वो वहाँ पे हंसने लगते हैं और उसकी खिल्ली, तेनाली की खिल्ली उड़ाने लगते हैं। दे नो तेनाली रमन कैन नॉट पेंट एट ऑल, वे सब जानते हैं कि तेनाली रमन पेंटिंग नहीं बना सकता है। तेनाली लुक्स एंग्रीली एट द गिगलिंग कोर्टियर्स एंड वॉक आउट, तेनाली जो उसके दरबारी होते हैं उनको, उनकी तरफ गुस्से से देखता है और वहाँ से कोर्ट से वो बाहर चले जाता है।